Hello students, this is your lesson number 2, Granny's Sari. Granny loved her green sari. One day the wind blew it away. Read the adventures of the sari and find out what made Granny happy. Means Granny ki jo green sari thi, wo unhe bahut pasand thi. Ek din jo hai, wo hawa ke karan unki sari ud jati hai. And let's find out what made Granny happy. Means Granny ko kya khush kar deta hai? Granny's favorite sari was a very special one. It had a picture of forest printed on it. Means Granny की जो favorite साड़ी थी उसमें वो special थी क्योंकि उसमें forest print किए हुए थे. There in the forest were pictures of spotted deer playing in the grass. Next to the deer were fat lions sleeping on the rocks. Means उस forest में ऐसे pictures थे जिसमें deer खेल रहे थे grass में. Next to the deer were fat lions sleeping on the rocks. और उसी के just पास में rocks पर lions सो रहे थे. Near the rocks was a stream. और उसी rocks के पास जो एक नदी थी means झरना था. Where a mother bear was busy catching fish for a baby bear. Mother bear जो थी वहाँ पर वो busy थी fish catch करने में अपने baby के लिए. High up in the tall trees were monkey and squirrels eating nuts. और वहीं पर एक माउंटेन था जहाँ पर टॉल ट्रीज थे और वहीं पर मंकीज और स्क्वायरल्स जो हैं वो नट्स खा रहे होते हैं. विद देम ग्रीन पैरट्स पैक्ड एंड जूसी रेड फ्रूट्स. और वहीं उसी टॉल ट्री पर बैठ के पैरट्स जो हैं जूसी रेड फ्रूट्स खा रहे थे. व्हेन ग्रैनी वोर हर ग्रीन साड़ी इट सीम्स एज इफ ऑल द एनिमल्स प्रिंटेड ऑन इट वर अलाइव एंड मूविंग एज शी वॉक. जब ग्रैनी अपने ग्रीन साड़ी पहनते थे तो ऐसा लगता था कि एनिमल्स जो उसमें प्रिंट किए गए हैं वो अलाइव हैं. और जैसे ही वो ग्रैनी जो है जब वॉक करते थे तब सारे एनिमल्स भी मूव कर रहे हैं. वन डे ग्रैनी वॉश्ड हर साड़ी एंड हंग इट ऑन द क्लोथ्स लाइन टू ड्राई. सडनली द विंड केम एंड ब्लू इट अवे. एक दिन ग्रैनी जो है अपनी साड़ी को वो वॉश करके उसे हंग करते हैं जैसे कि हम लोग नहीं मीन्स बाहर साइड हमारे मीन्स डोरी है या हैंगर है उसमें हम लोग कपड़े सुखाते हैं वहाँ वैसे उन्होंने अपनी साड़ी जो है वहाँ पर सुखाने के लिए रखी हुई थी. और सडनली द विंड केम एंड ब्लू इट अवे. और सडनली मीन्स हवा आ जाती है और साड़ी उनकी उड़ जाती है. ओह नो माई फेवरेट साड़ी हैज़ फ्लॉन अवे सेड ग्रैनी सैडली. दुखी होकर ग्रैनी बोलती है कि मेरी जो फेवरेट साड़ी है वो उड़ गई है. डोंट वरी ग्रैनी सेड अनु हर लिटिल ग्रैंड डॉटर. और उनकी जो ग्रैंड डॉटर होती है अनु वो बोलती है आप चिंता मत करो आई एम श्योर वी विल फाइंड योर साड़ी इफ वी सर्च फॉर इट. जब हम ढूंढेंगे तो हमें आपकी साड़ी मिल जाएगी. आई विल हेल्प यू फाइंड योर साड़ी. और मैं आपकी साड़ी ढूंढने में आपकी हेल्प करूंगी. सो ग्रैनी एंड अनु वेंट डाउन द रोड लुकिंग फॉर द साड़ी. दे मेट अ पुलिसमैन. और वो लोग बाहर रोड साइड जाके वो लोग साड़ी को ढूंढते हैं वहाँ पर उन्हें एक पुलिसमैन मिलता है. प्लीज़ मिस्टर पुलिसमैन सेड अनु पोलाइटली. अनु ने पोलाइट वे में मिस्टर पुलिसमैन को बुलाया. हैव यू सीन माई ग्रैनी साड़ी. क्या आपने मेरी ग्रैनी की साड़ी को देखा है. अफकोर्स आई हैव सेड द प्रॉब्लम सेड द पुलिसमैन. अफकोर्स मैंने देखी आपकी ग्रैनी की साड़ी. यस्टरडे आई वॉज चेजिंग अ रॉबर ही हैड स्टोलन थिंग्स फ्रॉम अ ज्वेलरी शॉप. कल ही मैंने एक रॉबर को पकड़ा था जिसने कुछ ज्वेलरी शॉप से कुछ चीज़ें चुराई थी. ही वॉज रनिंग सो फास्ट सो ही वॉज अबाउट टू एस्केप. वो इतना फास्टली मूव कर रहा था कि तो उसे छुपना था. जस्ट देन अ ग्रीन साड़ी केम फ्लाइंग डाउन फ्रॉम द स्काई एंड रैप्ड इटसेल्फ अराउंड हिज हेड. और उसी टाइम पे एक ग्रीन साड़ी स्काई से उड़ती हुई आई और उसके हेड पर रैप हो गई. The robber couldn't see and he bumped into a tree. और रॉबर को कुछ भी दिखा नहीं और वो पेड़ से टकरा गया. I caught him and put him in jail. Next week I am going to get a medal, but the sari flew away again. मैंने उसे जेल में पकड़ के उसे जेल में मीन्स पकड़ लिया और उसे जेल में कैद कर दिया. नेक्स्ट वीक जो है मैं जा रहा हूँ मेडल लेने, पर वो साड़ी फिर से उड़ गई. सो अनु एंड ग्रैनी केप्ट वॉकिंग इन सर्च ऑफ द साड़ी. दे पास लक्ष्मीज हट. लक्ष्मी वॉज फिशर वुमन. अनु और ग्रैनी जो है वो ढूंढते ढूंढते लक्ष्मी के घर के पास से गुजरते हैं.
लक्ष्मी जो है वो फिशर वुमन होती है, मीन्स फिश पकड़ने वाली। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी, सेड अनु। अनु को, अनु जो है लक्ष्मी को बोलती है गुड मॉर्निंग, हैव यू, एंड शी स्टॉप बिकॉज ग्रैनी टैप्ड हर शोल्डर। और वो पूछती है और ग्रैनी उसे चुप करवा देती है ऐसे उसके शोल्डर को टैप करके, एंड विस्पर्स लुक, और बोलती है धीरे से कि देखो, देयर इन अ रो स्टूड लक्ष्मी, थ्री चिल्ड्रन वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, और उसी रो में तीन बच्चों ने कुछ कपड़े पहने हुए थे। द एल्डेस्ट वोर अ ग्रीन शर्ट, ऑन द स्लीव्स वर पिक्चर स्पॉटेड डियर प्लेइंग इन द ग्रास, द गर्ल वोर अ ड्रेस दैट हैड अ पिक्चर ऑफ अ पैरोट ऑन वन पॉकेट, हैड अ स्क्विरल ऑन द अदर, द लिटिल बॉय वोर अ शर्ट विद पिक्चर ऑफ फैट लायन। मीन्स जो बड़े बेटे ने एक शर्ट पहनी थी ग्रीन कलर की, उसके स्लीव्स पर डियर के पिक्चर थे जो कि ग्रास में खेल रहे थे। गर्ल ने जो ड्रेस पहनी थी उसमें पैरोट जो था, पैरोट था एक पॉकेट पे और स्क्विरल था दूसरे पॉकेट पे। द लिटिल बॉय वोर अ शर्ट विद द पिक्चर ऑफ फैट लायन, और लिटिल बॉय ने जो शर्ट पहनी हुई थी उसमें फैट लायन था। सो हियर इज योर नेक्स्ट पेज। What a wonderful day it has been, said Lakshmi. Lakshmi बोलती है कितना अच्छा दिन था वो। I was wondering how to make new clothes for my children, और मैं सोच ही रही थी कि मैं मेरे बच्चों के लिए नए कपड़े कैसे बनाऊंगी। When a green साड़ी came flying down and settled on my lap, और तभी एक green साड़ी उड़ के आती है और मेरे lap पर आ जाती है। I asked all my neighbors, but they said it wasn't their साड़ी। मैंने अपने सारे पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने पूछा कि ये साड़ी आपकी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। सो आई कट इट अप इन टू क्लोथ्स फॉर माई चिल्ड्रन, डोंट दे लुक स्मार्ट। मैंने उन्हें कट करके क्लोथ्स में कन्वर्ट कर दिया और अब वो कितने सुंदर लग रहे हैं। ऑफकोर्स लक्ष्मी, सेड ग्रैनी, दे लुक वंडरफुल। और ग्रैनी कहती है हाँ लक्ष्मी सही है और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। लेटर दैट इवनिंग अनु आस्क ग्रैनी, आर यू सैड बिकॉज लक्ष्मी कट अप योर फेवरेट साड़ी टू मेक क्लोथ्स फॉर हर चिल्ड्रन। बाद में शाम को अनु पूछती अपनी दादी से, क्या आप इसलिए दुखी हो क्योंकि लक्ष्मी ने जो आपकी फेवरेट साड़ी है उसे कट करके उसके बच्चों के लिए क्लोथ्स बना दिए। ओ नो, रिप्लाइड ग्रैनी विद अ बिग स्माइल। वो बोलती नहीं नहीं, व्हेन माय साड़ी वॉज विथ मी इट मेड मी हैप्पी। जब मेरी साड़ी मेरे साथ थी तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। After it flew away from me, it made me so many people happy. और जब वो उड़ गई तो उसने बहुत सारे लोगों को खुश किया। आई एम नॉट सैड, आई एम हैप्पी। आई ऑलवेज न्यू माई साड़ी वॉज वेरी स्पेशल। और मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी साड़ी जो है वो बहुत ही स्पेशल है। मैसेज द राइटर वॉज आशा नेहमिया। मैसेज हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। हैप्पीनेस तभी मीन्स हैप्पीनेस वहीं आती है जहाँ पर आप दूसरे लोगों को खुश रखते हैं। नाउ व्हाट इज़ अबाउट आशा। आशा नेहमिया शी इज़ अ पॉपुलर ऑथर विद चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। मतलब वो हर एज के बच्चों के लिए वो उनके पास स्टोरीज होती है। वंडरफुल, शी वॉज अ वेरी वंडरफुल राइटर एंड वंडरफुली रिटन फनी कैरेक्टर्स गेट इन टू एडवेंचर्स इन हर स्टोरीज। Many of her books have also been translated into Hindi, Tamil, Bengali and Assamese. Her famous works include The Raja's Mustache and The Mystery of Silk Umbrella, among others. Now, here is your oral question answers from this lesson. What made Granny sad? Granny was sad her favorite saree that was hung on the clothes line had blown away with the wind. Means जहाँ कपड़े सुखाते हैं वहाँ पर वो उनकी साड़ी जो है वहाँ पर होती है, but suddenly हवा की वजह से वो उनकी फेवरेट साड़ी जो है उड़ जाती है। How old do you think was Anu? Anu was 7 to 8 years old. Now, on the saree, where were the monkeys and squirrels? Near the stream, on the rocks, high up in the tall trees, on the grass, high up in the tall trees. How did the sari help the policeman? It helped him to run, it helped him to fly, it helped him to catch the robber, it helped him to make a shirt, it helped him to catch the robber.
Why did Granny Whisper look? She was scared. She had a bad cold. She was angry. She wanted Anu to keep quiet. So the right answer is she wanted Anu to keep quiet. What picture was printed on Granny's sari? The picture of a forest was printed on Granny's sari. Now, match the animals with what they are doing. Parrot eating a red juicy fruit, squirrel eating nuts, lion sleeping happily, and bear catching fish. Why was the policeman chasing the robber? The policeman was chasing the robber because he had stolen things from a jewelry shop. Think and answer. Did you like Granny's sari? Why and why not? Yes, I like Granny's saris because it was unique in its design and had floral prints. मुझे ग्रैनी की साड़ी बहुत पसंद आई क्योंकि उसकी यूनिक डिज़ाइन थी और उसमें फ्लोरल प्रिंट्स थे. इफ़ यू वर ऑन लक्ष्मीज चिल्ड्रन विच पिक्चर वुड यू हैव लाइक टू हैव योर ड्रेस ऑन योर ड्रेस. आई वुड हैव प्रिफर्ड द पिक्चर ऑफ अ मदर बेयर कैचिंग फिश फॉर हर बेबी. अगर मैं प्रिफर करती तो मुझे वो मदर बेयर जो है वो अपने फिश को कैच कर रही होती अपने बेबी के लिए, मैं वो प्रिफर करती. और अगर मैं लक्ष्मी की किसी एक बच्चे में से होती तो. फाइंड द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 5 मेडल्स ब्रेव पर्सन्स रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मेडल्स आर परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, अवार्डेड टू आर्म फोर्सेस, सेना मेडल, आर्मी, नाव, नेवी, सेना मेडल, वायुसेना मेडल, एयरफोर्स. डू यू थिंक लक्ष्मी वॉज ऑनेस्ट? गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. लक्ष्मी वॉज ऑनेस्ट because she asked all her neighbors about the sari that flew down into her lap. Lakshmi jo thi wo bahut imandar thi kyunki usne apne sare padosiyon ko pucha tha jo sari uski lap par aakar giri thi. When she was sure that it did not belong to anyone, jab use surety hui ki ye kisi ki nahi hai, she cut it to make clothes for her children. Uske baad usne cut kiya aur apne bachchon ke liye kapde banaye. Next week I am going to get a medal. Who said this to whom? Next week मैं medal लेने के लिए जा रहा हूँ. ये किसने कहा था किससे? This was said by the policeman to Anu and her granny. ये policeman ने Anu और granny से कहा था. Why was I going to get a medal? मैं medal लेने क्यों जा रहा हूँ? The policeman had caught a robber who had stolen things from a jewelry shop. पुलिसमैन ने एक रॉबर को पकड़ा था जिसने ज्वेलरी शॉप से कुछ सामान चुराया था. वॉट हु हैड हेल्प आई गेट टू गेट अ मेडल. ग्रैनी सारी हैड हेल्प द पुलिसमैन टू गेट अ मेडल. वॉट हैपन्स नेक्स्ट? द पुलिसमैन टोल्ड अनु एंड हर ग्रैनी दैट द सारी हैड फ्लोन अवे सो दे कंटिन्यूड सर्चिंग फॉर. पुलिसमैन ने अनु और ग्रैनी को बताया कि वो जो साड़ी जो है वो फिर से उड़ गई है और वो लोग कंटिन्यू करते हैं उसे ढूंढना. Choose the word option to complete the sentence. Granny sari was miss, missing, missed or miss. So the right answer is missing. So here is your lesson finished. Lesson number 2 revision. In the next session we are going to start lesson number 3. I hope this video will help you to learn at home, stay safe, keep learning and watching this video, stay tuned till our next session, bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.